मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के भर्तियां शुरू करने के फरमान ने बेरोजगारों की आंखों में एक बार फिर से चमक पैदा कर दी है। लाखों बेरोजगार खास तौर से प्रसिद्धि प्राथमिक स्कूलों में सहायक अध्यापक के पद पर नियुक्ति को लेकर के आशान्वित हैं। बेसिक शिक्षा विभाग ही सबसे अधिक नौकरी देता है और इसमें पिछले 5.5 साल से कोई भर्ती नहीं आई है। आखिरी बार दिसंबर 2018 में 69,000 भर्ती आई थी और हर साल शिक्षक सेवानिवृत्त हो रहे हैं, लेकिन भर्ती की प्रक्रिया। टारगेट विद पीएस परिहार चैनल में आपका स्वागत है। सुबह की इस वीडियो में ऐसी सूचनाएं होती हैं जो विभिन्न समाचार पत्रों पर छाई होती हैं और विद्यार्थियों के लिए आवश्यक होती हैं। तो आइए शुरू करते हैं और देख लेते हैं कि आज के समाचार पत्रों में विद्यार्थी जीवन से संबंधित कौन कौन सी सूचनाएं हैं। पंचायतों में 4,821 पदों पर होगी भर्ती। कल शाम को मैंने इस पर वीडियो भी बनाया था। पंचायत सहायक के पदों के लिए 10 जून को जारी होगा विज्ञापन। 15 से 30 जून तक जमा किए जाएंगे आवेदन पत्र। रिक्त पदों को जल्द भरे जाने के मुख्यमंत्री के निर्देश के अगले ही दिन भर्तियों के लिए कवायद शुरू हो गई है। प्रदेश की ग्राम पंचायतों में पंचायत सहायक अकाउंटेंट कम डाटा एंट्री ऑपरेटर के 4,821 रिक्त पदों पर जल्द भर्ती होगी। निदेशक पंचायती राज अटल कुमार राय ने 10 जून तक रिक्त पदों पर चयन के लिए विज्ञापन प्रकाशित करने की कार्रवाई करने का निर्देश दिया है। पंचायतों में कई कारणों से पंचायत सहायक अकाउंटेंट कम डाटा एंट्री ऑपरेटर के पद रिक्त हो गए हैं। लोकसभा चुनाव के नतीजों के फीडबैक के आधार पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बृहस्पतिवार को रिक्त पदों पर भर्ती के लिए आदेश दिए थे और इसके बाद पंचायती राज विभाग ने भर्ती की प्रक्रिया शुरू करने की तैयारी कर ली है। 12 जून से ग्राम पंचायत के सूचना पट पर आवेदन पत्र आमंत्रित करने की सूचना दी जाएगी। जिला पंचायत राज अधिकारी कार्यालय, विकास खंड कार्यालय और ग्राम पंचायत कार्यालय में 15 जून से लेकर के 30 जून तक आवेदन होंगे। तो जैसे कि मुख्यमंत्री ने सभी अधिकारियों को बुलाकर के मीटिंग की थी और जल्द भर्ती का आदेश दिया था, उसी पर कार्रवाई भी शुरू हो गई है। और आज एक बड़ी मीटिंग होनी है जिसको लेकर के भी मैंने कल के वीडियो में आप लोगों को जानकारी दी थी, जिसे आप लोग यहाँ पर देख रहे हैं। और इसमें लिखा हुआ है कि 8 तारीख को यानी कि आज UPPSC, UP SSSC, UPPCL, उत्तर प्रदेश सहकारी संस्थागत सेवा मंडल, कोऑपरेटिव बैंकों की जो भर्तियाँ होती हैं और उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती पूर्ण बोर्ड, उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग, अपर मुख्य सचिव गृह विभाग, जितने भी भर्ती बोर्ड के अधिकारी हैं, उच्च अधिकारी हैं, सभी अधिकारियों को आज मुख्यमंत्री ने तलब किया है। और उसके बारे में ये लिखा हुआ कि 8 जून को शाम को 6 बजे माननीय मुख्यमंत्री के समक्ष प्रस्तुतिकरण किया जाना है और रिक्त पदों को भरे जाने के संबंध में अपने अपने विभाग के संबंधित समस्त सूचनाओं के कितने पदों पर अधियाचन आया है, कितने दिन के अंदर पूरा कर देंगे, सारी जानकारी आज ये लोग देंगे। वहीं पर कल जनता दरबार में 2 दिन पहले विद्यार्थी मिलने गए थे। सीएम से शिकायत की थी कि जो लेखपाल भर्ती है वो बहुत दिन से लटकी हुई है, पूरी नहीं हो पा रही है। और विद्यार्थी ने यह भी कहा था कि UP SSSC की बहुत सारी भर्तियां लंबित हैं। उसी क्रम में यहां पर देख सकते हैं मुख्यमंत्री जी का ये एक पत्र है राजस्व विभाग का और ये 7 तारीख को ये कल भेजा गया है, जिसमें बहुत सारे निर्देश दिए गए हैं और जिसमें से जो भी तहसील के कार्य हैं, चकबंदी के कार्य हैं, राजस्व के कार्य हैं। और साथ में यहाँ पर नीचे देखिए लिखा हुआ है 7720 लेखपाल की नियुक्ति के संबंध में उच्चतम न्यायालय स्तर पर लंबित वाद का प्रभावी अनुश्रवण कर शीघ्र निस्तारण करवाया जाए, ये देखिए लिखा हुआ है। और इसके लिए भी विद्यार्थियों ने काफी प्रदर्शन किया और अभी भी विद्यार्थी इसके लिए मेहनत कर रहे हैं। और अगली सूचना है UPPSC की। PCSJ मेंस की सभी 18,042 उत्तर पुस्तिकाओं की फिर आयोग करेगा जांच। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग फिर से PCSJ मेंस 2022 की सभी 18,042 उत्तर पुस्तिकाओं की जांच करेगा। आयोग ने हाई कोर्ट में शुक्रवार को हलफनामा दाखिल कर इसकी जानकारी दी है। अभ्यर्थी श्रवण पांडे ने उत्तर पुस्तिका में कुछ पेज फाड़ने व अंग्रेजी की हैंडराइटिंग बदलने का आरोप लगा हाई कोर्ट में याचिका दायर की है और न्यायमूर्ति सिद्धार्थ वर्मा और न्यायमूर्ति मनीष कुमार निगम की खंडपीठ याचिका पर सुनवाई कर रही है। आयोग ने माना है कि पूरी सतर्कता के बाद भी गलती हो सकती है। ऐसा गलती कैसे हो सकती है कि उसकी कॉपी में किसी और की राइटिंग है? यदि ऐसा हुआ तो उसे सुधारा जाएगा। याची अधिवक्ता विभू राय ने कोर्ट में पक्ष रखा। हाईकोर्ट ने आयोग को याची के 6 प्रश्न पत्रों की उत्तर पुस्तिकाएं कोर्ट में प्रस्तुत करने के लिए कहा था। आयोग के अधिवक्ता ने कोर्ट को बताया कि मुख्य परीक्षा में शामिल सभी 3019 अभ्यर्थियों की 18,042 उत्तर पुस्तिकाओं की जांच कराई जा रही है और उत्तर पुस्तिकाओं पर रोल नंबर की जगह फेक मास्टर कोड अंकित किया जाता है, जिसे डिकोड करने के बाद ही सही उत्तर पुस्तिका तक पहुंचा जा सकता है। यह कार्य गोपनीय है और बहुत कम कर्मचारी लगाए गए हैं और इसलिए जांच पूरी होने के बाद ही याची की उत्तर पुस्तिकाएं कोर्ट में प्रस्तुत की जा सकेंगी। पेपर लीक को लेकर के भी सूचना है। नैनी जेल में बंद अभियुक्तों ने खोले राज। एसटीएफ ने बर्खास्त सिपाही अरुण, सौरभ और पुनीत से की पूछताछ।
अगली सूचना लोअर की वैकेंसी को लेकर के है। छात्रों की मांग है कि जो लोअर की वैकेंसी है वो अब उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग से आए, चूंकि यूपी ट्रिपल एससी की भर्ती में बहुत लंबा समय लगता है, उसका सिलेबस भी दूसरा है। और देखिए यहाँ पर यह छात्र उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग को इसके पहले ज्ञापन भी दे चुके हैं और फिर से ज्ञापन देंगे। तो ये देखा आपने, और आप लोग क्या चाहते हैं कि ये जो यूपी ट्रिपल एससी का जो सिलेबस से लोअर का या जो प्रक्रिया वो ठीक है, यहीं से भर्ती होनी चाहिए, या जो उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग से इस भर्ती का विज्ञापन निकलना चाहिए। वैसे विद्यार्थी मांग तो ये कर रहे हैं कि जितनी भी 4200 ग्रेड पे की वैकेंसीज हैं आसपास की, वो सारी वैकेंसी हैं, चाहे वो जे की वैकेंसी हो, चाहे वो एएसओ की वैकेंसी हो, एएसओ भी पहले उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग से विज्ञापन आता था, ये सारी भर्तियां अब लोक सेवा आयोग से आएं। यूपी ट्रिपल एससी से तो ये सब भर्तियां ना आए, केवल छोटी मोटी भर्तियां आए जैसे लेखपाल, वीडियो, वीपीओ, जूनियर असिस्टेंट वगैरह। खैर अब देखते हैं अगली जो सूचना, ग्रामीण बैंक बड़ी संख्या में पीओ और क्लर्क के पदों पर होगी नियुक्ति। कल सुबह मैंने इसका भी वीडियो बनाया था, एक दिन पहले ही आप लोगों को मेरे चैनल के द्वारा जानकारी मिल जाती है। ये देखिए, ये जो भी न्यूज़ आई है आज के समाचार पत्रों में, ये मैंने सारी वीडियो कल बनाई थी। देखिए ये ग्रामीण बैंकों की जो भर्ती के बारे में आज जानकारी दी गई है, पंचायत सहायकों के बारे में आज जानकारी मिली है, सीएम योगी ने जो मीटिंग की है उसके बारे में भी मैंने आप लोगों को कल ही जानकारी दे दी थी। इसलिए आप लोग जो है चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें, और सब्सक्राइब करने के लिए बेल आइकॉन को दबा दें। बहुत सारे विद्यार्थी कमेंट आते हैं, सर आपका नोटिफिकेशन नहीं आता है वीडियो का। तो नोटिफिकेशन ऐसे नहीं आएगा जब तक सिलेक्ट ऑल पर क्लिक नहीं करेंगे या बेल आइकॉन नहीं दबाएंगे। तो यहाँ पर ग्रामीण बैंक बड़ी संख्या में पीओ और क्लर्क के पदों पर नियुक्ति होगी। लगभग 9000 पद हैं जिस पर भर्ती का विज्ञापन जारी हुआ है। ऑफिस असिस्टेंट की वैकेंसी है इसमें, और ऑफिसर स्केल 1, 2, 3 की भी वैकेंसी है। ये देखिए, और दोनों के बारे में मैंने विस्तृत जानकारी अपने कल के वीडियो में दे दी है, तो आप लोग जाकर के देख लीजिएगा। 27 जून तक आवेदन करना, वेबसाइट ये है। नीट के नतीजों का विरोध तेज हो गया है, न्यायिक जांच की मांग चल रही है। पेपर लीक की भी चर्चाएं थी। लिखा है कि नीट परीक्षा के परिणामों पर सवालों के हमले लगातार बढ़ रहे हैं। परीक्षा आयोजित कराने वाले एजेंसी एनटीए द्वारा स्पष्टीकरण दिए जाने के बावजूद छात्र और अभिभावक अलग अलग प्लेटफॉर्म पर लगातार शिकायतें दर्ज करा रहे हैं। सोशल मीडिया पर इसे लेकर के तरह तरह के कयास बीते दिनों से चल रहे हैं। तो कांग्रेस ने भी इसकी मांग की है, आज उसके बारे में भी समाचार पत्रों में बयान आया है। और जो संस्था है नीट, उसने भी कहा है कि जो टॉपर इस बार ज़्यादा टॉप किए हैं तो उसमें एक प्रश्न के दो उत्तर को हमने सही माना है, क्योंकि दो उसके उत्तर सही थे कुछ, ये भी एक कारण है। और वहीं पर कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने ट्विटर पर पोस्ट करके कहा कि पेपर लीक, धांधली और भ्रष्टाचार नीट सहित कई परीक्षाओं का अभिन्न अंग बन गया है। इसके लिए सरकार को जिम्मेदार ठहराते हुए उन्होंने कहा कि अभ्यर्थियों के लिए भर्ती परीक्षा में भाग लेना, फिर अनेकों अनियमितताओं से जूझना और फिर पेपर लीक के चक्रव्यूह में फंसना, ये उनके भविष्य के साथ में खिलवाड़ है। वहीं पर छात्र संगठनों ने अब नेशनल टेस्टिंग एजेंसी पर सवाल उठाते हुए एनटीए को समाप्त करने की मांग की है। इसके खिलाफ शिक्षा मंत्रालय के बाहर छात्र सोमवार को प्रदर्शन भी करेंगे। एनटीए में बहुत विवादित हो चुका है, एनटीए को भर्तियों में घोटाले के बहुत ज़्यादा आरोप भी लगे हैं। और अगली जो सूचना वो बिहार की है, लिखा 4351 स्थायी और 11259 पदों पर अस्थायी नियुक्ति की जाएगी। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं लेखा पदों का विवरण भी दिया है कि जो स्थायी पद हैं तो वो कौन कौन से हैं, जैसे पंचायत सचिव की भर्ती होगी, अंकेक्षण की भर्ती होगी, निम्न वर्गीय लिपिकों का कार्यालय परिचारी, जिला परिषद के नहीं अभियंता, जिला परिषद में निम्न वर्गीय लिपिक और ये पंचायत राज अधिकारी, और ये अस्थायी पद हैं, ये इन पर भी भर्ती होनी है, जैसे लेखापाल से आईटी सहायक, तकनीकी सहायक, कार्यपालक सहायक, ग्राम कचहरी सचिव और ग्राम कचहरी न्याय मित्र। तो सबसे ज़्यादा जो पद हैं वो लेखापाल से आईटी सहायक के हैं, और उसके बारे में यहाँ पर लिखा हुआ पंचायती राज विभाग में 15610 पदों पर बहाली होगी। पंचायती राज मित्र केदार प्रसाद गुप्ता ने कहा कि 4351 पदों पर स्थायी नियुक्ति होनी है, जबकि 11259 पदों पर संविदा नियुक्ति होनी है।
कल 10 बजे जारी हो जाएगा जेईई एडवांस का परिणाम। जेईई एडवांस का परिणाम 9 जून यानी रविवार को सुबह 10 बजे जारी किया जाएगा। आईआईटी मद्रास द्वारा 26 मई को दो पाली में परीक्षा आयोजित की गई थी। यूपी ट्रिपल एससी ने कल एक नोटिस जारी की है जिसमें ये बताया था कि जेईई की जो वैकेंसी आई थी 4016 पदों पर, उस भर्ती की जो लास्ट डेट 7 तारीख थी उसको बढ़ा दिया गया है। विद्यार्थी अब 16 जून तक जेईई भर्ती के लिए आवेदन कर सकते हैं। सीबीएसई ने सीटेट एग्जाम के लिए नोटिस जारी की है और ये बताया है कि 7 जुलाई को इसकी परीक्षा होगी। रेलवे की एनटीपीसी वैकेंसी का जो विज्ञापन है वो जुलाई और सितंबर के महीने में जारी होगा। रेलवे ने पहले ही इसके बारे में नोटिस जारी की थी। ग्रुप बी की वैकेंसी अक्टूबर दिसंबर के बारे में आएगी, इसके बारे में जानकारी दी थी। यहाँ पर देख सकते हैं लेवल 1 यूपी बोर्ड, हेलो हेलो पैसा दीजिए नंबर बढ़वाइए। स्क्रूटनी के लिए फॉर्म भरने वाले यूपी बोर्ड के छात्रों को कॉल किए जा रहे हैं, नंबर बढ़वाने के नाम पर हो रही है पैसों की डिमांड। यूपी बोर्ड ने लिया संज्ञान, कई मामले सामने आने के बाद विभागीय अधिकारियों के खड़े हुए कान। जिन विद्यार्थियों ने फॉर्म भरा है उनके नंबर आखिरकार इनके पास कैसे पहुंच गए और अगर जांच होगी तो निश्चित तौर पर कोई ना कोई अंदर का मिलेगा आपको। और लिखा, इस तरह का मामला संज्ञान में आया है। मेरा कहना है कि छात्र जिन नंबर से कॉल आ रही है उसकी सूचना अपने जिले के DIOS को दें जिसे तत्काल संबंधित के खिलाफ FIR दर्ज कराई जा सके। यहाँ पर लिखा, यूपी बोर्ड परीक्षा में कम से कम अंक पाने वाले छात्रों के लिए नई मुसीबत खड़ी हो गई है। उनके फ़ोन पर कॉल्स आने वाले कॉल्स में स्क्रूटनी के नाम पर नंबर बढ़ाने के लिए पैसे की मांग की जा रही है। और एक घोटाले की है, प्रयागराज का एक बड़ा घोटाला है। फरार निहारिका वेंचर्स में सफ़ेद फोसो, धन्ना सेठों ने की है करोड़ों निवेश, निवेशकों में शहर के कई बड़े लोगों के नाम हैं। नीचे यहाँ पर लिखा, सत्ता के गलियारों में रसूख रखने वाले नेताओं से लेकर के धन्ना सेठों तक के करोड़ों रुपए निहारिका वेंचर्स एंड डेवलपर्स में निवेश किए हैं। बोरिया बिस्तर समेट कर फरार होने वाली इस कंपनी के झांसे में कई बड़े लोग आ गए हैं। कहा जा रहा है कि अगर गहराई से कंपनी के रिकॉर्ड खंगाले गए तो कई सफेद पोशों के नाम सामने आ जाएंगे। पता चला है कि इस कंपनी में हर महीने मोटी रकम निवेश की जाती थी। फिलहाल पुलिस अब इस राज से पर्दा उठाने के लिए कड़ी दर कड़ी जोड़ करके सबूत जुटाने लगी है। पुलिस सूत्रों के मुताबिक इस कंपनी में निवेश करने वालों की लंबी फेहरिस्त है। प्रयागराज के अलावा भी बहुत सारे लोगों का नाम लिखा है। तो कोई भी अगर आपसे कहे कि हम आपको पैसा दोगुना कर देंगे या इतना ब्याज देंगे या जो भी चीज़ें, तो आप लोग इसमें सोच समझ कर डिसीजन लें, ऐसे ना फंसें। और यहाँ पर देखिए बहुत सारे लोगों के यहाँ पर नाम लिखे हैं, बहुत सारे लोगों का पैसा फंस गया है। किसी ने ज़मीन बेच करके पैसा लगाया है, किसी ने किसी तरीके से पैसा लगाया है। शुरू में ये लोग प्रलोभन देते हैं, रिटर्न देते हैं और बाद में जब लोग ज़्यादा पैसा लगा देते हैं तो ये फरार हो जाते हैं। वही बात यहाँ पर लिखी है, वर्ष 2023 में अलग अलग किस्तों में कंपनी में लगभग 15 लाख रुपये शेयर मार्केट में लगा दिए। शुरुआत के 4 महीने में कंपनी ने उनको करीब 5% तक रिटर्न दिया, लेकिन जनवरी के बाद से कुछ अता पता नहीं है। राजेश गुप्ता और यहाँ पर भ्रष्टाचार मुक्ति मोर्चा के कौशल सिंह हैं, आप जानते होंगे। लिखा, किसी जानकार के माध्यम से पता चला था कि इस कंपनी में निवेश करने से अच्छा मुनाफा मिलता है। इसके बाद 35 लाख रुपये का निवेश किया, शुरुआती दिनों में अच्छा रिटर्न भी रहा, लेकिन अब कंपनी रफू चक्कर हो गई है। एक और लोग हैं कोई जिन्होंने 35 लाख रुपये लगाया। तो इस तरीके से आप लोग जो भी नए छात्र हैं, नए विद्यार्थी हैं, नए लोग हैं, वो जरूर बचें। और अंतिम सूचना है प्राइमरी शिक्षक भर्ती की। लिखा, बेसिक शिक्षा 80,000 पदों पर भर्ती की जगह आस। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के भर्तियां शुरू करने के फरमान ने बेरोजगारों की आंखों में एक बार फिर से चमक पैदा कर दी है। लाखों बेरोजगार खास तौर से प्रसिद्धि प्राथमिक स्कूलों में सहायक अध्यापक के पद पर नियुक्ति को लेकर के आशान्वित हैं। बेसिक शिक्षा विभाग ही सबसे अधिक नौकरी देता है और इसमें पिछले 5.5 साल से कोई भर्ती नहीं आई है। आखिरी बार दिसंबर 2018 में 69,000 भर्ती आई थी और हर साल शिक्षक सेवानिवृत्त हो रहे हैं, लेकिन भर्ती की प्रक्रिया ठप है। 69,000 शिक्षक भर्ती के मामले में सरकार ने 12 जून को ये सब दिया था। और नीचे लिखा कि उस समय ये जो हलफनामा दिया था तो 51,112 पद खाली थे। अभ्यर्थियों का दावा है कि हर साल औसतन 8,000 शिक्षक सेवानिवृत्त होते हैं, तो इस हिसाब से 8,000 तो ये केवल कयास है, ये केवल कयास है और कुछ नहीं है। इसके अलावा ऐसा कहीं कुछ भी नहीं है कि किसी अधिकारी ने, किसी मंत्री ने कोई ऑफिशियल बयान दिया हो या कोई बाइट दिया, कुछ भी ऐसा कहीं कुछ भी नहीं। ये केवल भी कयास लगाए जा रहे हैं। और कुछ कोचिंग वाले हैं जो सुपरटेट की कोचिंग चलाते हैं और वो माहौल बना रहे हैं तुरंत एडमिशन के लिए, तो तभी थोड़ा सा सतर्क रहें, थोड़ा सा जल्दबाजी होगा। हालांकि कुछ न कुछ आप लोगों को भर्ती में तेज़ी जरूर दिखाई देने को मिलेगी, लेकिन प्राइमरी की बात करें तो मुझे लगता है कि अभी इसमें देरी लगेगी। तो ठीक है दोस्तों, ये हो गया आज का वीडियो। वीडियो आपको अच्छा लगा हो, आपके काम का हो तो लाइक अवश्य कर दें। जिन छात्रों ने चैनल को सब्सक्राइब न किया हो सब्सक्राइब कर लें। पूरा वीडियो सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।